I love you, Mama. हेलो सुपर मॉमीज, कैसे हैं आप? आज फिर मैं हाजिर हूँ बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी के साथ, जिसका नाम है मशरूम वेजी सूप। भाई, बच्चे सब्जियाँ सीधी तरह से तो खाते हैं नहीं, तो हम लोगों को हमेशा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि उन्हें सब्जियाँ कैसे खिलाई जाएं ताकि बच्चों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तो ऐसे में आज जो हम सूप बनाने वाले हैं, ये आपके बहुत काम आ सकता है। और अपने फायदे की बात ये है कि इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप बच्चों के साथ साथ घर के बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी इसे बना सकते हैं। मशरूम जो है वो एक बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन डी का, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी विटामिन है। ये जो सूप है वो एक ओवरऑल बहुत ही रिच रेसिपी है, जो बच्चों की इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी मशरूम, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इस रेसिपी के लिए जो मैं मशरूम यूज कर रही हूँ वो ये व्हाइट वैरायटी वाली मशरूम है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने चॉप करके ले लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। आधा चॉप किया हुआ गाजर, थोड़ी सी हरी मटर, चॉप किए हुए दो लहसुन के टुकड़े, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच या स्वाद के हिसाब से काला नमक, बटर यानी कि मक्खन का एक क्यूब और पानी। अब सबसे पहले लेंगे हम एक पैन, पैन में ऐड करेंगे बटर और बटर को हम मेल्ट हो जाने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और बटर के मेल्ट हो जाने के बाद हम उसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को तकरीबन हम 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे केवल पका लेना है। प्याज को 30 सेकंड के लिए भून लेने के बाद अब हम उसमें ऐड करेंगे कटा हुआ लहसुन। अब हम इन दोनों को तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए और भून लेंगे। अगर आप बड़ों के लिए ये सूप बना रहे हैं तो अपने स्वाद के हिसाब से एक या दो हरी मिर्ची इस टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। प्याज भून लेने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे मशरूम, और मशरूम को हम अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। मशरूम को भून लेने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। इन सारी स्पाइसेस को भी मशरूम के साथ मिक्स करके तकरीबन 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, गाजर, हरी मटर, मिक्स कर लेंगे इन्हें भी बाकी चीजों के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और आधा ग्लास पानी, मिक्स करेंगे, और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं। सब्जियों को पका लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और सब्जियों को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अगर आप इस सूप को प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, हमें तकरीबन 2 से 3 सीटियां आ जाने तक प्रेशर कुकर में सब्जियों को पका लेना है। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम सब्जियों को ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और उन्हें ब्लेंड करके उसका प्यूरे बना लेंगे। जो हमने सब्जियों की प्यूरे बनाई है उसको हम वापस से उसी पैन में डाल देंगे जिसमें हमने इन्हें पकाया था। ब्लेंडर में आधा कप पानी डालकर जो बचा हुआ प्यूरे है उसको भी हम इस पैन में ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और इसमें अब हम एक उबाल आ जाने देंगे। ये देखिए, सूप में उबाल आ चुका है और ये बन के एकदम तैयार है। अब हम इसे बोल में सर्व कर लेंगे। तो भाई, सूप तो हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब आप भी इस सूप की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये सूप हम इजीली 8 महीने से बड़े बच्चे को दे सकते हैं। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम 1 साल से छोटे बच्चे को ये सूप सर्व करते हैं तो हम इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी सूप की रेसिपी। इसके अलावा अगर इस रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।